Hello children, welcome to ASA Education. Today we will do A Shirt in the Market from Social and Political Life Part 2, Grade 7 CBSE. This chapter tells us the story of a shirt. Is chapter mein hum padhenge ek shirt ki story. It begins with the production of cotton and ends with the sale of the shirt. Iski shuruaat hogi cotton ki production se, yani cotton ki paidawar se. और खत्म होगी शर्ट की बिक्री से. We shall see that a chain of markets link the producer of the cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. हम देखेंगे कैसे एक मार्केट की पूरी चेन है जिसमें जो कॉटन का प्रोड्यूसर है वो भी बायर से लिंक है और जो बायर शर्ट खरीद रहा है सुपरमार्केट से वो भी कॉटन के प्रोड्यूसर से लिंक है. बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. हर जो स्टेप होगा जो हमारी पूरी चेन है इसमें हर स्टेप पे बाइंग और सेलिंग चलती रहेगी. डज एवरीवन बेनिफिट इक्वालिटी फ्रॉम दिस. क्या इससे हर एक को इक्वालिटी का दर्जा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है? और डू सम पीपल बेनिफिट मोर देन द अदर्स? वी शैल फाइंड आउट. या इससे कुछ लोगों को फायदा हो रहा है कुछ को नहीं, ये हम सब जानेंगे. अ कॉटन फार्मर इन द कुर्नूल. स्वप्ना, अ स्मॉल फार्मर इन कुर्नूल grows cotton in a small piece of land. Swapna एक बहुत छोटा फार्मर है जो कि अपने छोटी सी जमीन पे कॉटन की खेती करती है. The balls of the cotton plant are ripe and some have already burst. So Swapna is busy picking cottons. अब Swapna क्या कर रही है? जो balls हैं cotton plant की अब वो पूरी तरह से पक चुकी हैं और उसमें से कुछ के फूट भी गए हैं, मतलब जो फ्लावर्स हैं वो खुल गए हैं, तो जिसकी वजह से अब स्वप्ना जो है उसमें से कॉटन को निकाल रही है. द बॉल्स विच कैरी ऑन द कॉटन इन देम डू नॉट बर्स्ट ओपन ऑल एट वंस, सो इट टेक्स सेवरल डेज टू हार्वेस्ट द कॉटन. अब जिन भी बॉल्स में कॉटन होती है वो एकदम से नहीं खुल जाती, उसमें कई दिन लगते हैं उस कॉटन को बाहर निकलने में. वंस द कॉटन इज कलेक्टेड इंस्टेड ऑफ सेलिंग इट द कुर्नूल कॉटन मार्केट, स्वप्ना एंड हस्बैंड टेक्स द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर. एक बार जहां सारी कॉटन कलेक्ट कर ली तो बजाय कुर्नूल के कॉटन मार्केट में बेचने के स्वप्ना और उसके हस्बैंड जो हैं उसे एक लोकल ट्रेडर के पास ले जाते हैं. एट द बिगनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्वप्ना हैड बोरोड रुपीज 2500 फ्रॉम द ट्रेडर एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टिवेशन. सो जब शुरू में इसका फसल बोने का टाइम था उस टाइम पे स्वप्ना ने 2500 रुपए जो है ट्रेडर से उधार लिए थे बहुत हाई इंटरेस्ट पे, क्योंकि तब उसे सीड्स खरीदनी थी, फर्टिलाइजर्स खरीदने थे और यहाँ तक कि पेस्टिसाइड्स भी खरीदने थे अपनी फसल को बोने के लिए. एट द टाइम द लोकल ट्रेडर मेड स्वप्ना एग्री टू अनदर कंडीशन. उस समय जो लोकल ट्रेडर था उसने स्वप्ना को एक कंडीशन और रखी थी. ही मेड हर प्रॉमिस टू सेल ऑल हर कॉटन टू हिम. उसने कहा था कि जितनी भी कॉटन आएगी तुम्हें सारी की सारी मेरे को बेचनी होगी. कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्स हाई लेवल्स ऑफ इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड द फार्मर्स हैव टू इनकर हैवी एक्सपेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ दीज. अब जो कॉटन की खेती होती है इसमें बहुत ज्यादा चीजें डालनी पड़ती है, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ जो किसान होते हैं उनको बहुत महंगी पड़ती है कॉटन की खेती. Most often the small farmers need to borrow money to meet these expenses. ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है इस कॉटन की खेती को करने के लिए. At the trader's yard, two of his men weigh the bags of cotton. जहाँ ट्रेडर का यार्ड होता है वहाँ पर दो आदमी जो हैं कॉटन के बैग्स को तोलते हैं. At a price of rupees 1500 per quintal 1500 रुपए के हिसाब से वो उसको तोलते हैं. And the cotton fetches rupees 6000. तो जो cotton है वो लगभग 6000 रुपए की निकलती है. The trader deducts 3000 for the repayment of loan and interest and pays Swapna rupees 3000. तो जो trader है वो क्या करते हैं? 3000 रुपए तो काट लेते हैं loan और interest के और उसके बाद Swapna को 3000 रुपए दे देते हैं. Swapna rupees 3000 only, खाली 3000 बस. Trader, cotton is selling cheap. There is lot of cotton in the market. ट्रेडर कहते हैं कॉटन तो बहुत सस्ती बिकती है और इतनी सारी कॉटन है मार्केट में. सपना, I have toiled so hard for 4 months to grow this cotton. मैंने इस कॉटन को उगाने में बहुत मेहनत करी है 4 महीने तक. You can see how fine and clean the cotton is this time. आप देख सकते हैं कॉटन कितनी साफ है और अच्छी है. I hope
that you get much better price. और मेरे को ये उम्मीद थी कि इस बार हमको कुछ ज्यादा और अच्छा पैसा मिलेगा. ट्रेडर, अम्मा, आई एम गिविंग यू अ गुड प्राइस. अदर ट्रेडर्स आर नॉट इवन पेइंग दिस मच. अम्मा, मैं आपको बहुत अच्छे प्राइस दे रहा हूँ और बाकी ट्रेडर्स तो इतना भी नहीं देंगे. यू कैन चेक एट द कुर्नूल मार्केट इफ यू डोंट बिलीव मी. अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो जाके कुर्नूल का मार्केट चेक कर लो. सो अपना डोंट बी एंग्री, हाउ कैन आई डाउट यू. अच्छा गुस्सा मत हो, मैं आपका शक नहीं कर रही हूँ. I had only hoped that we would earn enough from the cotton crop to last us a few months. हमें ये लगा था कि अब ये जो कॉटन की फसल है इससे हमें इतना पैसा मिल जाएगा कि हमारे आगे के कुछ महीने कट जाएंगे. Those apna knows that a cotton will sell for at least rupees 1800 per quintal. She doesn't argue further. कब सपना जानती थी कि ये जो कॉटन है जो मार्केट में बिकेगी तो 1800 रुपए पर क्विंटल बिकेगी, लेकिन उसने फिर भी आगे बहस नहीं करी. The trader is a powerful man in the village and farmers have to depend on him for loans, not only for cultivation but also to meet other exigencies such as illness, children's school fees, etc. अब ये जो ट्रेडर था ये बहुत पावरफुल आदमी था गांव का, और फार्मर्स को यह बात पता थी क्योंकि वो उस पर ही डिपेंड थे. अगर उन्हें लोन चाहिए है खाली फसल के लिए ही नहीं, बल्कि अगर उनको कोई और भी जरूरत हो, जैसे कोई बीमार है, बच्चों के स्कूल की फीस है, उन सब के लिए भी उनको उसी ट्रेडर पे डिपेंड होना पड़ता था. Also, there are times in the year when there is no work and no income for the farmers. So, borrowing money is the only means of survival. बहुत समय ऐसा भी होता है साल में जब कोई काम नहीं होता, कोई इनकम नहीं होती फार्मर्स की, उस समय जो है ये लोग क्या करते हैं, सर्वाइवल के लिए भी, अपनी जीवनी चलाने के लिए भी इन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं. स्वप्ना's earning from cotton cultivation is barely more than what she might have earned as a wage labor. अगर सपना की कॉटन कल्टिवेशन की जो क्या कहते हैं अर्निंग हुई है उसको देखा जाए तो वो इतनी भी नहीं है कि एक अगर वो डेली वेज के लेवल से भी कमाती तो उसमें कहीं ज्यादा उनको मिल जाते. द क्लॉथ मार्केट ऑफ इरोड. इरोड्स बाई वीकली क्लॉथ मार्केट इन तमिलनाडु इज वन ऑफ द लार्जेस्ट क्लॉथ मार्केट इन द वर्ल्ड. इरोड्स का जो दो हफ्तों का क्लॉथ मार्केट है तमिलनाडु में, ये जो है लगभग सबसे बड़ा क्लॉथ मार्केट होता है वर्ल्ड का. A large variety of cloth is sold in this market. बहुत भारी मात्रा में इस मार्केट में कपड़ा बेचा जाता है. Cloth that is made by weavers in the villages around is also brought here for sale. यहाँ पर वो लोग जो कि गांव में कपड़ा बनाते हैं उनके द्वारा भी ये जो कपड़ा जो है यहाँ पर लाया जाता है और बेचा जाता है. Around the market are offices of cloth merchants who buy this cloth. उस पूरे मार्केट के चारों तरफ जो हैं क्लॉथ मर्चेंट्स के ऑफिसेज हैं जो कि ये कपड़े को खरीदते हैं. अदर ट्रेडर्स फ्रॉम मेनी साउथ इंडियन टाउन्स आल्सो कम एंड परचेज क्लॉथ इन दिस मार्केट. बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो और साउथ इंडियन टाउन्स से हैं, वो भी यहाँ आते हैं और मार्केट से कपड़ा खरीदते हैं. ऑन मार्केट डेज यू वुड आल्सो फाइंड वीवर्स ब्रिंगिंग क्लॉथ दैट हैज मेड ऑन ऑर्डर फ्रॉम द मर्चेंट. जब मार्केट डेज होते हैं तो क्या होता है कि जो वीवर्स हैं वो भी कपड़ा बना बना के लाते हैं ऑर्डर पर, जो कि मर्चेंट्स ने उनको दिए हुए होते हैं. दीज मर्चेंट्स सप्लाई क्लॉथ ऑन ऑर्डर टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्ट्स अराउंड द कंट्री. फिर ये मर्चेंट्स जो है उस क्लॉथ को जो है या जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको क्या कहते हैं ऑर्डर पे इस कपड़ा सप्लाई करते हैं और फिर ये कपड़ा जो है बेचा जाता है पूरे बाहर कंट्रीज में. They purchase the yarn and give instructions to the weavers about the kind of cloth that has to be made. ये लोग जो हैं raw material खरीदते हैं, गोले खरीदते हैं और उसके बाद जो है फिर इसको instructions दिए जाते हैं weavers को कि किस तरह का कपड़ा बनना है. In the following example, we can see how it is done. अब जो आने वाला example है उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ये करा जाता है. Putting out system, weavers producing cloth at home. The merchant distributes work among the weavers based on the orders he has received of cloths. A merchant जो है वो weaver के लोगों में काम बांट देते हैं जिस तरह का उनको order मिला होता है कपड़ा बनाने का. The weavers get the yarn from the merchant and supply him the cloth. Weavers जो है वो क्या करते हैं, जो कपड़ा बनाने के लिए yarn की जरूरत होती है या जो भी कह सकते हो कि raw material जरूरत होती है वो merchant से लेते हैं और फिर उसे जो है कपड़ा देते हैं. For the weavers, this arrangement seemingly has two advantages. अब weavers की नजर से देखा जाए तो उनको जो है दो फायदे होते हैं. The weavers do not have to spend their money on the purchase of yarn. Yarn की खरीद के लिए उन्हें एक तो पैसा नहीं खर्च करना. Also, the problem of selling the finished cloth is taken care of. साथ ही साथ जो कपड़ा पूरा बन चुका है उसे बेचने की कोई दिक्कत नहीं.
Weavers know from the outside what cloth they had should make and how much is to be woven. अब वीवर्स को जो है इससे जो कपड़ा या जो रॉ मटेरियल मिलता है उससे उन्हें ये आइडिया लग जाता है कि कितना उन्हें कपड़ा बनाना है और कितना उनको वीव करना है. However, this dependence on the merchants both for the raw material and markets means that the merchants have a lot of power. अब ये जो डिपेंडेंसी है लोगों की कि हम चाहे रॉ मटेरियल हो चाहे मार्केट हो दोनों के लिए मर्चेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इस वजह से मर्चेंट के पास जैसे काफी ताकत होती है. They give orders for what is to be made and they pay a very low price for making the cloth. एक तो वो ऑर्डर देते हैं कि क्या बनाना है, साथ ही साथ जो कपड़ा बनता है उसकी बहुत कम कीमत देते हैं. The weavers have no way of knowing who they are making the cloth for or what prices will be sold. जो वीवर्स होते हैं यानी जो बुनकर होते हैं उन्हें ये नहीं पता कि वो कपड़ा किसके लिए बना रहे हैं या वो प्राइस कितनी भी दाम में उसे बेचा जाएगा. उनका बस काम होता है कपड़ा बनाना. At the cloth market, the merchant sells the cloth to the garment factory. अब जो कपड़ों का मार्केट होता है वहां पर मर्चेंट क्या करते हैं उस कपड़े को गारमेंट फैक्ट्रीज को बेच देते हैं. In this way, the market works more in favor of the merchant. और इसकी वजह से अगर हम कहें तो मार्केट भी जो है पूरी तरह से मर्चेंट के फेवर में ही काम करता है. Weavers invest all their savings or borrow money at highest rates to buy looms. अब weavers जो है अपनी सारी जितनी भी उनकी बचत होती है या फिर वो उधार लेके पैसे हाई इंटरेस्ट रेट पर ये जो कपड़ा बनाने के लिए मशीन की जरूरत होती है उसको खरीदते हैं. ईच लूम कॉस्ट ₹20,000, सो अ स्मॉल वीवर विद टू लूम्स हैज टू इन्वेस्ट ₹40,000. अब हर एक लूम को खरीदने का खर्चा है ₹20,000. तो अगर एक कोई छोटा वीवर है और वो दो इस तरह के अपरेटस लेता है तो उसको लगभग ₹40,000 स्पेंड करना पड़ेगा. द वर्क ऑन दीज लूम्स कैनॉट बी डन अलोन. अब ये जो मशीन है इस पे काम करने के लिए अकेले आदमी की मतलब अकेला नहीं कर सकता वो. द वीवर एंड अदर एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली वर्क अप टू 12 आवर्स अ डे टू प्रोड्यूस क्लॉथ. जो वीवर है या उसके साथ कोई भी और बड़ा मेंबर है फैमिली का उनको लगभग पूरे दिन में 12 घंटे काम करना होता है तब जाके कपड़ा प्रोड्यूस होता है. फॉर ऑल दिस वर्क दे अर्न अबाउट ₹3,500 पर मंथ. और इतनी कड़ी मेहनत के बाद उनको क्या मिलता है सिर्फ ₹3,500 महीना. द अरेंजमेंट बिटवीन द मर्चेंट एंड द वीवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ पुटिंग आउट सिस्टम वेयर बाय द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल एंड रिसीव्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट. ये जो अरेंजमेंट है मर्चेंट और वीवर के बीच में इसे हम एग्जांपल कह सकते हैं पुटिंग आउट सिस्टम का, जहां पर मर्चेंट जो है वो रॉ मटेरियल देता है और फिनिश प्रोडक्ट को वापस लेता है. इट इज प्रेवलेंट इन द वीविंग इंडस्ट्री इन मोस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया. और ऐसा जितनी भी वीविंग इंडस्ट्री है इंडिया में उसमें ऐसा ही चलता है.